केसी त्यागी से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि औपचारिक मुलाकात थी, काफ़ी दिन हो गए थे मिले हुए। साथ ही साथ पीएम वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि जो हम कहते हैं वो सही ही होता है। आखिरकार कल परिषद की बैठक में उस बात पर मुहर लगी गई और उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए में कोऑर्डिनेशन की कमी है, वो लगातार से हम इस बात को कहते रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। क्या कुछ कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा पूरे बयान में, आप सुनिए। ये अचानक मांग कहना मुझको नहीं लगता है मुनासिब है। भले सरकार बहुत दिनों से चल रही है लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी की तो आवश्यकता हमेशा रही है, अभी तक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी। इसका यह अर्थ नहीं है कि मांग उठनी ही नहीं चाहिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी ज़रूरी है और यह मांग भी बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बीजेपी नेताओं के मंत्रियों के बयान या फिर जो अभी जैसे उद्घाटन हुआ आरा में मुख्यमंत्री का फोटो नहीं था, इस सबसे असहज स्थिति पैदा हो रही है मंत्री? देखिए हम लोग कोई असहज नहीं हैं लेकिन जनता में मैसेज तो ठीक नहीं जाता है इस तरह की गतिविधि से। एक ही अलायंस के अंदर कई तरह की बात चलते रहती है, एक ही इशू पर अलग अलग नेता का बयान भी अलग अलग तरह से आते रहता है एक ही पार्टी में। अब जैसे अभी जो जातीय गणना की बात है उसमें भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता अलग अलग तरह के बयान देते रहते हैं, तो इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए और ऐसी स्थिति आगे न रहे इसके लिए ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन कमेटी रहेगी, तो इन चीज़ों को देखेगी, गौर करेगी और ऐसी स्थिति से फिर बचना संभव हो पाएगा। आपने पीएम की बात सबसे पहले कही थी कि प्रधानमंत्री के लायक है नीतीश कुमार और अब जो है वो राष्ट्र परिषद की बैठक में मुहर लग गया, क्या आने वाले समय में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ेंगे? देखिए भाभी कल क्या प्रस्ताव पारित हुआ उसको बता दिया गया है और पीएम मटेरियल जब हमने कहा था तो आप लोगों में से भी कई लोग असहज हो रहे थे कि क्या बयान दे रहे हैं, लेकिन आगे के लिए ध्यान रखिए उपेंद्र कुशवाहा जो बोलता है आगे सब लोग उसको मानते हैं, तो आगे भी ध्यान रखिएगा आप लोग। लेकिन भाजपा कहा था क्या मतलब आपका कहना है आगे चुनाव लड़ेंगे, यही बड़ी बात है? या चुनाव लड़ेंगे क्या क्या मतलब, अभी तो एनडीए में हम लोग हैं, एनडीए के तो उम्मीदवार प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी जी हैं, नीतीश कुमार योग दावेदार हैं आपका इशारा है। ललन सिंह ने कहा है कि कई लोग ऐसे हैं जो नीतीश कुमार के चेहरा को पसंद नहीं करते हैं, कई पार्टियां ऐसी हैं, वो कौन कौन सी पार्टियां हैं जो नीतीश कुमार के चेहरे को नहीं पसंद करती होगी? अरे कुछ बात तो बिना कहे समझी जाती है ना, बिना कहे भी समझिए। मिशन नीतीश क्या है? केसी त्यागी ने कहा है कि मिशन नीतीश, मिशन नीतीश है देश के स्तर पे नीतीश कुमार जी का जो व्यक्तित्व है उसका प्रसार करना, अल्टीमेटली देश के स्तर पे उनकी जो स्वीकारता है उसको और बढ़ाने का काम करना, यही मिशन नीतीश है। पीएम आरजेडी और कांग्रेस ये कह रही है उपेंद्र जी कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, तो हमारे तेजस्वी यादव भी योग्य हैं, युवा हैं, वो राहुल गांधी के अलावा दूसरे दल के लोग क्या कहते हैं उससे क्या मेरा मतलब है, हमारी पार्टी क्या कहती है उससे हमारा मतलब। लेकिन भाजपा ये कह रही है कि केवल मटेरियल बताने से कोई पीएम थोड़ा बन जाएगा, नंबर चाहिए उसके लिए, नंबर कहाँ से आएगा? भाई तो हम पीएम बनने की बात अभी कर भी तो नहीं रहे, हम तो पीएम बनने की बात तत्काल नहीं कर रहे हैं, कभी भविष्य में करेंगे तो देखते हैं। भैया भविष्य के लिए क्यों नहीं हो सकता है, बूढ़ है तो सर अंक भी दर्ज कर लीजिएगा आप। अरे तो भविष्य की बात भविष्य में होगी, लेकिन अभी कोई प्रधानमंत्री के लिए अंक जुटाने की बात तो हम कर नहीं रहे हैं, प्रधानमंत्री अभी एनडीए के नरेंद्र मोदी जी हैं।